पीपीएफ या फिर म्यूचुअल फंड, इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए? तो अगर मैं इसका शॉर्ट आंसर दूं, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। एसआईपी के द्वारा हमने ये देखा है कि लंबे समय के लिए आप अगर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको पीपीएफ से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब कितना रिटर्न मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रेट आपको पीपीएफ में मिल सकता है और कितना रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में मिल सकता है, ये चीज हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा कई सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व होने वाली हैं जहां तक पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स का सवाल है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम पीपीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है और इसका लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल तक आपका जो पैसा है वो जमा रहेगा इस अकाउंट में और आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलते रहेगा हर महीने, और इसमें कंपाउंडिंग जो है वो ईयरली मिलता है, यानी कि पूरे साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा हर महीने वो फाइनेंशियल ईयर एंड में यानी कि मार्च के अंत में पूरा इंटरेस्ट आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में, और इसी चीज को हम कहते हैं ईयरली कंपाउंडिंग। इसके अलावा जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हो पीपीएफ में उसको आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपीज। तो टैक्स सेविंग में भी आपका जो पीपीएफ है वो मदद करता है। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा पीपीएफ में वो भी टैक्स फ्री होगा, यानी कि आपको उस पर कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड्स है ये एक लिस्ट ऑफ कंपनीज में निवेश करते हैं, यानी कि जो भी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स होते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, सेंसेक्स यानी कि टॉप 30 कंपनीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें ये म्यूचुअल फंड निवेश करता है, यानी कि हर एक कंपनी में आपका जो पैसा है वो निवेश होगा और ये कंपनीज के जो भी परफॉर्मेंस होते हैं, जो भी रिटर्न्स होते हैं, वो ये म्यूचुअल फंड आपको देगा। तो जब आप किसी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में निवेश करते हो तो उसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है, लेकिन आपका जो रिटर्न्स है वो ज्यादा आपको मिल सकता है जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो। अब म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्ट करने का है SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, यानी कि हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होगा म्यूचुअल फंड कंपनी में, और उतना अमाउंट निवेश किया जाएगा उन कंपनीज में जिसमें ये म्यूचुअल फंड निवेश करता है। तो इसमें आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा ये भी हम देखने वाले हैं SIP कैलकुलेटर को यूज करके। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीपीएफ कैलकुलेटर आप कैसे यूज कर सकते हो पीपीएफ में इंटरेस्ट जानने के लिए। तो पीपीएफ कैलकुलेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है FinKelsey Blog। FinKelsey Blog सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा FinKelsey-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेटर्स का सेक्शन देख सकते हैं, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर इसके बाद आपको कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे इस पेज पे दिखेंगे जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हम ये वाला पीपीएफ का कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक न्यू विंडो में पीपीएफ का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से आपके पीपीएफ के अकाउंट में आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है हर महीने या फिर हर साल, वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो समझो आपने यहाँ पे नया अकाउंट ओपन किया है तो आपका बैलेंस जीरो रहेगा। आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है पीपीएफ में, जब आप अप्रैल के महीने में 5 तारीख या उससे पहले 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपीज का अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आपको पूरे साल में मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा। और फिर ये वाला जो बैलेंस है यहाँ पे आपको कॉपी करना है एज अ बैलेंस, और अगले साल के लिए जो भी डिपॉजिट्स है आपको वापस से करने हैं, और इसी की मदद से आपको ईयरली कंपाउंडिंग होता है, यानी कि पूरे साल का जो भी इंटरेस्ट है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा और आपको उस पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिपॉजिट्स डालने होंगे जो कि आप जमा करोगे, और फिर हर क्वार्टर में जो भी इंटरेस्ट रेट है, करंट इंटरेस्ट रेट जो है 7.1% का चल रहा है, हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट इसको रिव्यू करती है और चेंज हो सकता है ये वाला इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा हर महीने आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपके डिपॉजिट पे वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और फिर उसके हिसाब से आपका बैलेंस कितना हो जाएगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब ये जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपको हर महीने यहाँ पे दिख रहे हैं वो साल के एंड में यानी कि मार्च के अंत में जो ये टोटल इंटरेस्ट है वो आपके बैलेंस में एड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपने 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट किया है अप्रैल के महीने में और आपका टोटल इंटरेस्ट पूरे साल
में हुआ है 10,650 रुपीज। तो ये वाला अमाउंट आपके बैलेंस में ऐड कर दिया गया और आपका टोटल बैलेंस हो गया है 1,60,650 रुपीज। और इस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है और बैलेंस में ऐड होता है। तो हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं यहाँ पे, समझो अगर हम हर महीने 2,000 रुपए का पीपीएफ में डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे हमें 2,000 रुपीज एज अ डिपॉजिट डालना है। और फिर इसके बाद ये सेम डिपॉजिट जो है बाकी के महीने में भी मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि हम हर महीने हमारा जो डिपॉजिट है वो कंटिन्यू रख सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हो मार्च तक मैंने ये जो डिपॉजिट है 2,000 रुपीज का हर महीने कंटिन्यू करके यहाँ पे डाला है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों, आपको जितना अमाउंट चाहिए आप डिपॉजिट कर सकते हो पीपीएफ के अकाउंट में। जरूरी नहीं कि हर महीने आपको 2,000 रुपए डालने, आप 1,000 रुपए या फिर 500 रुपए भी डिपॉजिट कर सकते हो या फिर इससे ज्यादा 5,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए भी डिपॉजिट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरे साल में आपका जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो होना चाहिए 1,50,000 रुपीज, क्योंकि उसके ऊपर के अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो एक मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पे आपको हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया है। पहले महीने में आपको 2,000 रुपए पे इंटरेस्ट मिला है, फिर आपने और 2,000 रुपए एज अ डिपॉजिट किए तो आपका बैलेंस हो गया 4,000 रुपए। तो इस पे आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ गया है। अगले महीने में 6,000 रुपए के बैलेंस पे आपका जो इंटरेस्ट है वो और इंक्रीज हो गया है। इस तरीके से जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलता है 923 रुपीज का, ये इंटरेस्ट अमाउंट आपके 24,000 जो बैलेंस है उसमें ऐड कर दिया गया है। और ये आपका टोटल बैलेंस है यहाँ पे 24,923 एक साल के बाद जब आपने डिपॉजिट्स करना शुरू किया है। तो यहाँ पे हम एक्सेल में ट्रैक करते हैं कि आपने जो डिपॉजिट किया है हर महीने के हिसाब से 2,000 रुपए आप डिपॉजिट कर रहे हो कंसिस्टेंटली, तो पहले साल में आपका टोटल डिपॉजिट हो गया 24,000 रुपीज। अब बैलेंस कितना हुआ है वो चीज हम यहाँ से कॉपी करेंगे 24,923 रुपीज। तो यहाँ पे हम बैलेंस को भी कॉपी कर देते हैं। इसके बाद आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है, तो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ये जो बैलेंस है हम उस चीज को लेंगे, माइनस करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स है वो। और फिर जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये सेम अमाउंट जो कि 923 रुपीज का, ये हमें हमारे कैलकुलेटर में भी मिला था, इतना टोटल इंटरेस्ट हमारा हुआ है। अब अगले साल जो आप डिपॉजिट करोगे उससे पहले आपका ये जो टोटल बैलेंस है वो एज अ बैलेंस कंसिडर करना होगा आपको। तो इस चीज को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एज अ बैलेंस जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब अगले साल से जब आप डिपॉजिट करना और शुरू करोगे तो इस बैलेंस में आपका डिपॉजिट्स ऐड होते जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि पहले साल का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपके बैलेंस में ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। अब उस इंटरेस्ट अमाउंट पे आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो 159.29 रुपीज, 171.13 रुपीज, इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। एक और चीज हमने अज्यूम की है कि ये जो 7.1% का इंटरेस्ट रेट है ये कंसिस्टेंटली आपको अगले 15 साल तक के लिए मिलते जाएगा। तो दोस्तों ये अजम्पशन हमने कैलकुलेशन पर्पस के लिए लिया है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता है क्योंकि हर क्वार्टर में जो गवर्नमेंट है इस इंटरेस्ट रेट को रिव्यू कर सकती है और चेंज भी कर सकती है। तो जिस क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट रेट बदलता है आप उस क्वार्टर में आके यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो समझो अगर अगले क्वार्टर में 7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिला तो यहाँ पे हम 7% डालेंगे, तो बाकी के जो 2 महीने हैं क्वार्टर में उसमें भी अपने आप आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बदल जाएगा और इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज भी आप यहाँ पे इस कैलकुलेटर में कर सकते हो। अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अब हम क्या करेंगे कि वापस से ये जो टोटल बैलेंस है वो चीज हम कॉपी कर लेते हैं और ट्रैकिंग पर्पस के लिए हमारे एक्सेल में आएंगे और फिर यहाँ पे हम एज अ बैलेंस कंसिडर करते हैं और ये जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो इतना टोटल इंटरेस्ट हमें अभी तक मिल गया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से अगले 15 साल तक के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा पीपीएफ के अकाउंट में वो भी मैं जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेट करके अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 15 साल के बाद आपका जो टोटल डिपॉजिट हुआ है वो है 3,60,000 रुपीज और आपका टोटल बैलेंस जो है वो हुआ है 6,31,135 रुपीज। और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बैलेंस में से आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो है 2,71,135 रुपीज। अगर आप यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस देखो यहाँ पे कैलकुलेटर में, आपको लास्ट ईयर में मिला है 41,111 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट।
अमाउंट। अगर आप यहाँ पे देखो आखिर के महीनों में जब आप 2000 रुपए का डिपॉजिट करते हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो डिपॉजिट से भी ज्यादा है। और ये क्यों है? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यहाँ पे इफेक्ट दिखता है। हर साल जो आपको इंटरेस्ट मिलते जाता है पीपीएफ के अकाउंट में हर महीने, वो आपके फाइनेंशियल ईयर एंड में जो बैलेंस होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है। और इसी की मदद से ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो आपने डिपॉजिट किया है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो यहाँ पे, और इंटरेस्ट जो है हमने 7.1% का अज्यूम किया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये वाला जो टोटल बैलेंस है ये ऊपर या फिर नीचे जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना डिपॉजिट करते हो और आपके पीपीएफ के अकाउंट में अगले 15 साल तक के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे ऊपर या फिर नीचे जाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप पीपीएफ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट जानने के लिए। इसके अलावा अब म्यूचुअल फंड में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है जब आप एसआईपी के जरिए निवेश करते हो, चलिए एसआईपी कैलकुलेटर यूज करके देख लेते हैं। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, इसके लिए हम हमारा जो एसआईपी कैलकुलेटर है वो यूज करेंगे। तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हो। जैसे हमने पीपीएफ में हर महीने 2000 रुपए का डिपॉजिट किया है, उसी प्रकार से हम एसआईपी कैलकुलेटर में 2000 रुपीज का डिपॉजिट जो है वो डालकर चेक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर पे क्लिक किया, एक न्यू विंडो में हमारा जो म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका एसआईपी अमाउंट डाल सकते हो। तो समझो हमने 2000 रुपीज का एसआईपी अमाउंट डाला और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है दोस्तों वो हम 12% का रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर करते हैं अगले 15 साल तक के लिए। जब हम शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं तो 12% का रेट ऑफ रिटर्न पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी कभी हमको मिल भी जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में मार्केट पे डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम लंबे समय के लिए टू बी ऑन द सेफ साइड 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो, एक साल में आपका टोटल डिपॉजिट्स हुआ है 24,000 रुपीज और प्रॉफिट हुआ है 1,619 रुपीज का। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपको 25,619 रुपीज का मिला है। अब दोस्तों इसी चीज को हम एक्सेल में भी ट्रैक करते हैं। जैसे हमने पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है उसको ट्रैक किया, यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसआईपी रिटर्न्स भी ट्रैक करेंगे। तो 2000 रुपीज का जो सेम अमाउंट है हम एज अ एसआईपी अमाउंट डालेंगे। अगले 15 साल तक के लिए आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट और प्रॉफिट्स होगा ये हम चेक करते हैं। तो आपका ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है हम इस चीज को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपका प्रॉफिट क्या होगा कि ये वाला जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो चीज हम लेंगे और फिर माइनस करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट है वो। तो दोस्तों इतना हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब इसके अलावा जब 2 साल तक के लिए हम एसआईपी अमाउंट जो है कंटिन्यू रखते हैं 2000 रुपीज का, तो हमारा इतना टोटल डिपॉजिट होता है। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इतना होगा जो कि है 54,486 रुपीज, जो कि हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दूसरे साल में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, इसी फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर देता हूँ, 6,486 रुपीज का प्रॉफिट होता है 2 साल में, जो कि यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगले 15 साल तक के लिए हमें कितना रिटर्न्स मिल सकता है म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के द्वारा, जब हम 2000 रुपए का मंथली एसआईपी कर रहे हैं और हमारा 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, तो ये सारे वैल्यूज मैं क्विकली यहाँ पे फील कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 15 साल के बाद आपका जो टोटल डिपॉजिट हुआ है एसआईपी अमाउंट के द्वारा वो है 3,60,000 रुपीज। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो कि आपको मिल सकता है वो है 10,09,152 रुपीज का, और टोटल प्रॉफिट अगर आप देखते हो वो है 6,49,152 रुपीज। तो दोस्तों ये वाला प्रॉफिट ज्यादा है जब हम एसआईपी के द्वारा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं कंपेयर टू जो हमने पीपीएफ का जो इंटरेस्ट देखा था जो कि है 2,71,135 रुपीज। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,78,000 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है जब आप एसआईपी के द्वारा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमने ये अज्यूम किया है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 12% का रहेगा अगले 15 साल तक के लिए। चांसेस है कि ये जो रिटर्न है ये हमें ज्यादा या फिर कम भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हिस्टोरिकली हमने यही देखा है कि अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा निवेश करते हो तो आपको ज्यादा ही रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में कंपेयर टू जो आपको पीपीएफ में इंटरेस्ट मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जब हम इंटरेस्ट को कंपेयर ही कर रहे हैं तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा पीपीएफ में ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट होगा, यानी कि आपको इस पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप इसको रिडीम करोगे जो कि एसआईपी का जो रिटर्न्स है उसको जब आप विड्रॉ करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है उस पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका प्रॉफिट 1,00,000 के ऊपर है। एसआईपी
में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है एग्जाम्पल्स के जरिए, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। और इनकम टैक्स आप कैसे बचा सकते हो जब आपको म्यूचुअल फंड्स में ऐसा रिटर्न्स मिलता है, उसके लिए भी टैक्स हार्वेस्टिंग का जो टॉपिक है वो भी मैंने कवर किया हुआ है, जिसकी मदद से आपका जो कैपिटल गेन्स है उस पर जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसको आप कैसे बचा सकते हो, यानी कि आपका जो इनकम टैक्स ऑन SIP है उसको आप कैसे सेव कर सकते हो, वो भी मैंने कवर किया हुआ है दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से SIP कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। अब हमने ये देखा कि म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो लंबे समय के लिए, हमने जो टेन्योर लिया है 15 साल का लिया है, उसमें आपको म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया है कंपेयर टू PPF के रिटर्न्स, लेकिन PPF का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ SIP के द्वारा जो आप निवेश करते हो म्यूचुअल फंड में, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जब आप प्रॉफिट्स को रिडीम करते हो। ये तो हमने फ्यूचर के रिटर्न्स देखे, पिछले 15 साल के रिटर्न्स क्या है सेंसेक्स में, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब ये तो रिटर्न्स हमने देख लिए कि अगले 15 साल तक के लिए हमें कैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं PPF और फिर म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा, लेकिन पिछले 15 साल तक के लिए हमको कैसे रिटर्न्स मिले हैं। तो समझो PPF के एग्जांपल में हम यही इंटरेस्ट को कंसिडर करते हैं, तो हमें पिछले 15 साल में 271,135 का इंटरेस्ट मिला है। वैसे तो इससे ज्यादा ही इंटरेस्ट मिला होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है 7.1% से ज्यादा थे पिछले 15 साल तक के लिए, लेकिन पिछले 25 साल में सेंसेक्स यानी कि जो टॉप 30 कंपनीज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें आपको कितना रिटर्न्स मिला है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो यहाँ पे पिछले 25 साल के रिटर्न्स हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे मैंने पिछले 15 साल के रिटर्न्स भी कैलकुलेट किए हैं। तो 5,000 की जगह हम यहाँ पे 2,000 रुपीज का SIP अमाउंट डालते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका टोटल डिपॉजिट हुआ है 3,60,000 रुपीज, टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है 11,61,110 रुपीज का, और टोटल प्रॉफिट हुआ है 8,01,110 रुपीज। अब ये दोस्तों रियल डेटा है कि पिछले 15 साल में हमको इतना रिटर्न्स मिला है SIP के द्वारा। इसी चीज को अगर हम कंपेयर करें हमारे अगले 15 साल तक के लिए जो रिटर्न्स मिल सकता है 6,49,152 रुपीज का हमारा फ्यूचर का रिटर्न्स है, तो ये कम है कंपेयर टू जो हमें एक्चुअली पिछले 15 साल में रिटर्न्स मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि लंबे समय के लिए अगर आप SIP करते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन ये पास्ट रिटर्न्स गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 12% का अजम्पशन लिया है हमने, हो सकता है कि इससे ज्यादा का रिटर्न्स मिले या फिर हो सकता है इससे कम का रिटर्न्स मिल सकता है। पिछले 15 साल में तो हमें इससे ज्यादा का ही रिटर्न मिला है, अगले 15 साल तक के लिए हमें देखना होगा कि मार्केट के क्या कंडीशंस हैं, किस तरीके से जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो जहां तक रिटर्न्स का मामला है SIP जो है लंबे समय के लिए आपको डेफिनेटली ज्यादा ही रिटर्न्स देगा कंपेयर टू PPF अगर हम 15 साल का टाइम हॉरिजॉन कंसिडर करें। तो पिछले 15 साल में भी म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है कंपेयर टू जो आपको PPF का इंटरेस्ट मिला है। और इस तरीके से अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिले। म्यूचुअल फंड में अगर आपको टैक्स बचाना है तो ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आप निवेश कर सकते हो ताकि आप सेक्शन 80C के तहत अपना इनकम टैक्स बचा सको। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक और बेनिफिट ये है कि आप जब चाहो तब आपका जो पैसा है उसको विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये सारे पॉइंट्स एनालाइज करने के बाद ये मतलब नहीं कि PPF जो है उसमें हमें निवेश ही नहीं करना चाहिए। PPF जो है वो अपनी जगह एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि PPF का जो रिटर्न्स है वो गारंटीड होता है। तो आप 50% आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप म्यूचुअल फंड में डालिए और बचा हुआ 50% आप PPF में डालिए। आपके रिस्क के हिसाब से आपका जो एलोकेशन है इन्वेस्टमेंट का वो आपको खुद से ही डिसाइड करना होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि सोच रहे हैं कि क्या वो म्यूचुअल फंड में या फिर PPF में निवेश करना शुरू करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेसी TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।